हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम कस्तूरी। आज मैं बताने जा रहा हूँ लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट के बारे में। आपने शायद सुना भी होगा, ये क्या होता है कि ऑनलाइन बहुत सारी साइटें हैं जो लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज करती है। यहाँ पे आप अगर आपको ग्राफिक का थोड़ा सा नॉलेज है, जैसे कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का, तो आप लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट में भाग लेके आप अपने पार्ट टाइम में थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने अभी अभी ग्राफिक डिजाइन कोर्स किया हो या थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, आपके पास थोड़ा टाइम है, तो आप इस कॉन्टेस्ट में भाग लेके पैसे कमा सकते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारे कस्टमर जो हैं जिसको लोगो चाहिए, वो उसमें ना अपना प्रोजेक्ट डालते हैं। मान लीजिए उसको किसी चीज़ का लोगो बनाना है, तो किसी एजेंसी को हायर करते हैं तो बहुत सारा चार्ज करती है एजेंसियाँ, और उनके पास वैरायटी भी बहुत कम आती है। मान लीजिए दो उनके पास या चार डिजाइनर हैं, तो चार या पाँच या दस प्रकार का उनके पास लोगो आएगा। अगर वो कॉन्टेस्ट में डाल देते हैं लोगों को, तो कम से कम उसके बाद 100, 150, 200, 400 उनके पास वैरायटी आ जाती है लोगों की, तो उसमें से उनको चुनना बहुत ही इजी हो जाता है। इसलिए लोगो कॉन्टेस्ट को आजकल कंपनियां मतलब सेलेक्ट कर रही है। उसमें किसी साइट पे आप जाके देखेंगे तो कम से कम 100, 150, 500 लोगो कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इतनी सारी कंपनियां कहाँ खुदती होगी। पहले मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन जितनी साइटें हैं बड़ी बड़ी उस पर देखोगे 500, 600, 1000 लोगो कॉन्टेस्ट हमेशा चल रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड वाइड आप सोचिए, इतनी बड़ी दुनिया है, तो कितने सारे कंपनियां नहीं खुल रही है। कोई बड़ी कंपनी है, उनका एक नया ब्रांड निकलना होता है, कोई छोटा ब्रांड का, बड़ा ब्रांड का छोटा ब्रांड, तो उसके लिए लोगो कॉन्टेस्ट वो उस पर डाल देते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो डिजाइनर हैं, जो वर्ल्ड बेस्ट डिजाइनर हैं, वो नए हैं, तो उस पर आप ब्रीफ पढ़ के अपना आप लोगो एक बना के आप उसको भेजेंगे, फिर कस्टमर उसको देखेगा। बहुत सारे लोगों में से अगर आपका लोगो उसको यूनिक लगता है, अच्छा लगता है, उसको आपको फीडबैक भेजेगा कि इसमें लोगो में करेक्शन है, तो करेक्शन भेजेगा, या कुछ अगर सेलेक्ट डायरेक्ट उसको पसंद आ गया तो आपको लोगो को सेलेक्ट कर लेगा। फिर आपके ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप उसको ओरिजिनल फाइल को आप उस पर डालेंगे, तो आपका फिर अप्रूवल आता है 8-10 दिन के अंदर, फिर अप्रूवल आ जाएगा, फिर आपको पेमेंट आ जाता है। उसका पेमेंट का अलग अलग मोड है अलग अलग साइटों पर, जैसे कि साइट पे पेपल के थ्रू या स्क्रील या पेन ईयर या जो अलग अलग जो मोड है, वहां से पेमेंट वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सारी साइटें हैं, मैं उसका साइट का एक लिंक भी दे दूंगा नीचे। एक मैंने उसको वीडियो बनाया है, जैसे डिजाइन कॉन्टेस्ट 99design.com, freelancer.com, क्राउड स्प्रिंग, ये टॉप नाम है जहाँ से आप कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। और इसमें बहुत महंगे महंगे कॉन्टेस्ट भी होते हैं। एक talenthouse.com करके साइट है, यहाँ पे 50,000 से नीचे कॉन्टेस्ट नहीं होता। 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 के कॉन्टेस्ट होते हैं। बड़ी 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 कंपनियां इस पर अपना कॉन्टेस्ट डालती है, जैसे HP हो गया और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फिल्म की जो कंपनियां हैं, वो भी यहाँ पे अपने जो पोस्टर का डिजाइन हो गया या ट्रेलर का डिजाइन हो गया, इस तरीके से उसमें वहां पे प्रोजेक्ट आते हैं। तो जैसे वीडियो एडिटिंग का भी प्रोजेक्ट आता है। तो आपकी आप जिस फील्ड में हैं ग्राफिक डिजाइन का, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन भी एक बहुत बड़ा फील्ड है। जैसे इसका पार्ट हो गया एक लोगो डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, फ्लायर डिजाइन, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, बुकलेट, बहुत सारी कैटेगरी है इसके अंदर। तो आपकी जिस डिजाइन में आपकी स्पेशलिस्टी है, उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप उसमें भाग ले सकते हैं। तो वहां से आप अपनी पैशन को पूरा कर सकते हैं और आपकी पैसे भी आ सकते हैं अगर आपका डिजाइन उसमें से सेलेक्ट होता है। इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सारी साइट, इंडियन साइट भी है, जैसे myGOV.in पे जाएंगे तो वहां पर मैं लिंक दे दूंगा नीचे। भारत सरकार की भी साइट है जहाँ पे बहुत सारा लोगों का कॉन्टेस्ट होता रहता है। ये पहले जो मोड था, जब ऑनलाइन नहीं था, तो ये पहले ऑफलाइन मोड होता था। प्रिंट पे लोग स्केच करके उसको कलर करके या CD में डाल के लोग भेजते थे, फिर वहां पे जो है जाता था डिजाइन, फिर वहां पे बहुत सारे लोग जो उसको सेलेक्ट करते थे, फिर उसको सेलेक्ट जो उसमें से अच्छा लगता था उसको आप उसको चिट्ठी लिखते थे, जो भी करके भेजते थे। तो अभी जो आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, इसमें बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है, पारदर्शिता भी आ गई है कि आप उसको देख सकते हैं, नहीं सही है। पहले पहले मुझे भी लगता था कि डिजाइन कॉन्टेस्ट में बहुत सारी धांधली होती होगी कि मैंने डिजाइन भेज दिया, मेरा डिजाइन कोई कॉपी कर लिया, आप किसी लोकल से बनवा लिया, या हमारा डिजाइन सेलेक्ट ही नहीं किया, उसने पैसे ले लिए, वापस ले लिया अपने कॉन्टेस्ट के पैसे। तो ऐसा भी होता है, लेकिन बहुत परसेंटेज इसकी कम होती है। 100 में से 5% ऐसे डिजाइनर कस्टमर होते हैं जो पैसे अपना मनी बैक ले लेते हैं, क्योंकि डिजाइन कॉन्टेस्ट की खास बात यह है कि उसमें कस्टमर जो है
पैसे जो है वापस भी ले सकते हैं। उसमें दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आता है, एक होता है गारंटेड, एक होता है नॉन गारंटेड। तो इसमें क्या है कि कुछ ऑप्शन देता है वो क्लाइंट को कि अगर डिजाइन पसंद नहीं आया तो कस्टमर पैसे ले सकता है वापस, रिफंड के लिए उस पर क्लेम कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कस्टमर के लिए, क्योंकि अगर कस्टमर खुश रहेगा तो अभी हमारे पास पैसे आएंगे। तो बहुत रेयर चांस होता है कि कस्टमर जो है मनी बैक करता है, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई बार जो होता है कस्टमर को पसंद नहीं आता डिजाइन, फिर वो बाद में दोबारा भी कॉन्टेस्ट इसमें डाल सकता है। एक कॉन्टेस्ट साइट पर पसंद नहीं आया तो फिर वो दूसरे पे भी डाल देता है। तो ये चीजें हैं ग्राफिक डिजाइन कॉन्टेस्ट की। इसकी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको इसमें कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी। अगर आपके पास थोड़ी सी टैलेंट है, थोड़ी सी टाइम है, तो आप उसमें आपको थोड़ी सी फोटोशॉप की नॉलेज लेनी है या कोरल ड्रॉ की नॉलेज लेनी है, आप अपना ब्रीफ पढ़िए और उसमें से आप थोड़ा सा ड्राइंग, अगर आपके पास ड्राइंग की स्किल है तो स्केच बनाइए कुछ ओरिजिनल सा, और अपना फोटोशॉप में 10 मिनट या आधे घंटे या 20 मिनट में का लोगो बन जाता है अगर आपके पास आइडिया पहले से आ गया तो। या आइडिया आप नेट से निकालिए, थोड़ी उसकी मॉडिफाई कीजिए, आप थोड़ा अपना भी उसमें दिमाग लगाइए, डायरेक्ट नेट से निकाल के भेजेंगे। क्योंकि ऑनलाइन कॉन्टेस्ट है, अगर ऑनलाइन से निकाल के फिर आप उसमें ऑनलाइन डालते हैं तो वो बहुत जल्दी डिलीट हो जाता है। कई कस्टमर भी लोगो मान लीजिए कहीं देखा उसमें, फिर आप वही डिजाइन भेज रहे हैं तो बोलेगा तो वही चीज हम नेट में देख रखे हैं, आपने वही भेज दिया, इसलिए वो तुरंत डिक्लाइन कर देगा, आपको रिजेक्ट कर देता है। तो ये सब चीजों को भी आपको ध्यान देना है लो कॉन्टेस्ट में। तो इसमें इससे फायदा किसको हो सकता है, मैं इसलिए वीडियो बनाया कि जो नए नए डिजाइनर हैं, जो फ्रेशर हैं, वो अपना इसमें कॉन्टेस्ट में भाग लेके अपने डिजाइन स्किल को थोड़ा सा और शार्प भी कर सकते हैं, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी उनको लगेगा। जब उनके पास फीडबैक आएगा कस्टमर का, उनका रिजेक्ट होगा, कई अच्छे लगेंगे तो उनको तारीफ भी मिलेगा, आपका डिजाइन बहुत अच्छा है। और इससे क्या होगा कि थोड़ी सी उनको अर्निंग भी हो सकती है। जो स्टूडेंट हैं या पढ़ रहे हैं, उनको घर से उतना पैसे नहीं मिलता है जितना उनको चाहिए, लगता है कि थोड़ा और पैसे होता तो मजा आ जाता। तो इसमें अपनी टाइम थोड़े इन्वेस्ट कर सकते हैं इधर उधर की बजाय। जैसे आप आजकल जो आईपीएल का प्लेइंग 11 चल रहा है, इस पर लोग पैसे भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, और आने की गारंटी नहीं है। ये भी लक के ऊपर है, थोड़ी लॉटरी टाइप की, ज्यादा ही लॉटरी टाइप की है, और ये भी एक लॉटरी है, लेकिन उसके मुकाबले बेटर है। क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगाने, आपको स्किल्स लगानी है। प्लेइंग 11 में क्या है, आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये पैसे लगा लिए आपने, उसमें कई बार हमारे 10 रुपये के बदले 10 रुपये आ गए, 20 रुपये आ गए, कई बार नहीं आते, ज्यादा बार नहीं आते। अगर आपने, मैंने भी बहुत बार, एक दो बार पहले लगाया था, फिर मजा नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत सारा था ग्राफिक डिजाइन का, कॉन्टेस्ट का, पहले मैंने बहुत सारे सर्च किए, तो इसलिए मैं चाहता था कि दूसरों को शेयर करूं, ज्यादा कुछ सर्च ना करना पड़े आपको, एक ही वीडियो में सारा डिटेल आपको मिल जाए। पहले मैंने तो बहुत सारी, जब नया नया स्टार्टिंग की थी तो बहुत सारे लोगों को फोन किया और फेसबुक पर ढूंढा जो इस पर काम करते हैं कि कैसी साइट है, क्या है, पैसे आते हैं नहीं आते हैं, बहुत सारे मन में डाउट थे मेरे। तो बहुत सारे डाउट जो है धीरे धीरे क्लियर हुए। साइट पर विश्वास नहीं होता था कि पैसे देती है भी नहीं देती है, पैसे कितने टाइम में आता है, कितने कट के आता है, तो ये सब डाउटें थी। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना भी रखे, परसेंटेज कितना कटता है आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड और ऑनलाइन कॉन्टेंट से रिलेटेड। और उस साइटों का मैंने उसमें कंपेयर भी किया, इस साइटों में क्या खास है, इस साइटों में क्या अच्छी चीज है, क्या अच्छी चीज नहीं है, तो वहां से आप और डिटेलिंग ले सकते हैं, और नेट में थोड़ा गूगल भी कर सकते हैं। और भी ज्यादा अगर कोई दिक्कत आए, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हेलो दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।